हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार नारद जी ने कठोर तपस्या के बाद देवलोक में ब्रह्मा ऋषि का पद प्राप्त किया हुआ था। नारद जी को तीनों लोकों में भ्रमण करने का वरदान प्राप्त था। आपको बता दें कि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और ब्रह्मांड के संदेश वाहक कहे जाते हैं। यह सदा विष्णु भक्ति में लीन रहते हैं। मान्यता है कि नारद जयंती पर नारद जी की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बार नारद जयंती आज यानी 6 मई 2023 को मनाई जाएगी। तो आइए अब जानते हैं नारद मुनि की जन्म कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में नारद उपब्रह्मण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। एक बार स्वर्ग में अप्सराएं गंधर्व गीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। तब उपब्रह्मण स्त्रियों के साथ वहां आए और रासलीला में लीन हो गए। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उपब्रह्मण को श्राप दे दिया कि उसका अगला जन्म शुद्ध योनि में होगा। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उपब्रह्मण का जन्म शुद्रा दासी के घर पर हुआ। बहरहाल उपब्रह्मण भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। कहते हैं एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, तभी अचानक उन्हें भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। ईश्वर के प्रति उपब्रह्मण की आस्था और गहरी हो गई। एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे बालक, इस जन्म में अब तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद होगे। इसके बाद उपब्रह्मण ने भगवान विष्णु का घोर तप किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी का अवतार हुआ। तो ये थी नारद मुनि की जन्म कथा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम रामराजन।